इंदौर में एक बार फिर रविवार की रात को शहर में नशेड़ियों का आतंक देखने को मिला, जहां रामचंद्र नगर चौराहे से लगे वीआईपी रोड पर रविवार रात दो बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। यहां पान की दुकान चलाने वाले युवक से 100 रुपए मांगे, नहीं देने पर लोहे की रॉड और डंडे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं बदमाशों ने बीच सड़क पर भी जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस भले ही बदमाशों पर लगाम कसने का दावा करती हो, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों का आतंक जारी है, जहां बदमाश आए दिन शराब के नशे में राहगीरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा एक नजारा रविवार रात रामचंद नगर चौराहे पर देखने को मिला, जहां पिंटू दुबे नामक युवक की दुकान पर रात करीब 8 बजे एरोड्रम इलाके के दो बदमाश नशे में धुत होकर पहुंचे। आरोपियों ने उससे 100 रुपए मांगे। पिंटू ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज आरोपियों ने पिंटू को दुकान से बाहर निकालकर पहले गाली गलौज की, फिर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान पिंटू के बीच बचाव में आए बंटी से भी आरोपियों ने मारपीट की। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पिंटू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने रॉड से सड़क चलते कई वाहन चालकों को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही उन्होंने इलाके में खड़ी कारों के कांच भी फोड़ दिए। सीएसपी जयंत राठौर के मुताबिक आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका चचेरा भाई फरार है। दोनों रुक्मणी नगर के रहने वाले हैं। तो बोले ले ले नहीं था और उसको मारा, बोले पैसे ऐसे छीन लिए, मेरे भी छीन लिए कल। वो इन्होंने जो लुफंगे ये सर यहीं आते हैं, दारू पी के खड़े रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। और फिर कल माथा पोड़ी हो गई थी इनसे, 80 रुपए कल का विवाद है सर, मैं बोल रहा हूँ 80 रुपए कल सिगरेट के मांगे थे इनसे, तो बोले नहीं है, बाहर आ जाओ फिर देते हैं। पर कल भी मारा इनको भिंडी ब्याह को, रोज आके खड़े रहते हैं। कल तो मेरे से हो रहा 200 रुपए थे, गल्ला भी छीन लिया था, फिर मैंने उसको इधर उधर भगाया सर, और मेरा माल वाल भी फेंक दिया। तो यार पाँच छह जने रोज आते। आपका नाम? यहाँ पे एक पान की दुकान है, पिंटू दुबे की दुकान है। इसमें दो लड़के आए थे जो शराब पिए हुए थे, उनका 100 रुपए को लेके उनके आपस में कोई विवाद हुआ, तो उनने पिंटू के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की, जिसको गीतांजलि अस्पताल तत्काल ले जाया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जो दो लड़के आए थे उसमें से एक लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है, दोनों कज़िन ब्रदर हैं और रुक्मणी नगर में रहते हैं, दूसरे की तलाश जारी है। ऐसा क्या है, लोग नशे की अवस्था में थे? हाँ, उनने शराब पी रखी है, अभी शराब पी रखी है। तो दूसरे आरोपी के लिए पुलिस की पार्टी भेजी गई है और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उसको गिरफ्तार कर लें। आपस में चूँकि नशे में थे तो शायद पत्थर फेंके, तो एक हाथ गाड़ी का कांड ना, ऐसा अभी कोई जानकारी मिली।